राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य। हिंदी अनिवार्य की दूसरी पुस्तक पीयूष प्रवाह, और पीयूष प्रवाह का हम जो अंतिम पाठ है, छठा पाठ, वो आज पढ़ेंगे। इससे पहले आपके जो 2020-21 में जो चार पाठ रखे गए हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और ये छठा, इन चारों पाठों में से पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों पाठ पढ़ लिए, और आज हम छठा पाठ, यानी जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो चार पाठ रखे गए हैं, उन पाठों का अंतिम पाठ आज पढ़ेंगे। इससे पहले जो तीन पाठ हमने पढ़े, उन सभी पाठों में जो मोस्ट प्रश्न बनते थे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो प्रश्न भी आपको दिए गए, गृह कार्य के रूप में भी दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने गृह कार्य करके भी भेजा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। यदि आप इस प्रकार पढ़ते रहेंगे तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि यह चैनल जो है, इस चैनल के माध्यम से आप संपूर्ण अध्ययन अर्थात कक्षा 12th का हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश और पॉलिटिकल, ये चार जो सब्जेक्ट्स हैं, इन चार सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छा मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। जहां तक संभव होगा मैं आपको एग्जाम तक कंप्लीटली तैयार करने का भरपूर प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास, आपकी मेहनत साथ साथ चलेगी तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी की सुविधा के लिए मैंने 9610208295 पर आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया, जिस पर बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो आप जब इसमें ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नाम अवश्य लिखें, अपना विषय अवश्य लिखें और आपके विद्यालय का नाम भी अवश्य लिखें, जिससे आपके आपके नाम रजिस्टर किए जा सके, मेरे पास लिखे जा सके, समय समय पर आपका मार्गदर्शन भी किया जा सके। तो इसके लिए आप ये जो चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी, यानी जब आप आज ही नहीं, 12th ही नहीं, आगे जब आप कॉलेज तक पढ़ेंगे तब तक आपके लिए यह चैनल आपका मार्गदर्शन करता रहेगा। तो आप जीवन की नवीन ऊंचाइयों को छूने के लिए मैं समझता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी अवश्य ही भेजें। और जो भी आप यदि पूछना चाहें तो आप 9610205 पर पूछ भी सकते हैं। अंतिम पाठ है, इसके पश्चात हम थोड़ा व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण पढ़ने के पश्चात सभी सब्जेक्ट्स के, यानी हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट है। इंग्लिश का सिलेबस भी, दोनों पुस्तकों का सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। हिंदी का दोनों किताबें पूरी हो रही है। पॉलिटिकल थोड़ा पीछे चल रहा है तो ये भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा, तो आप इस चैनल के साथ बने रहें। आइए चलते हैं राजस्थान के गौरव, जिनका जीवन चरित्र और उसके जीवन चरित्र से हम किस प्रकार प्रेरित होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं अपने पाठ पर। देखिए, राजस्थान के गौरव जो है, और इसमें जीवन चरित्र दिए गए हैं देवनारायण जी, बाबा रामदेव, संत जम्भेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु और महाराजा सूरजमल। ये जो पांच जो महान विभूतियां हैं या महान हमारे प्रेरणा स्रोत है, इतिहास के स्रोत है, इनका जीवन चरित्र दिया गया है। इनके जीवन चरित्र से हम क्या सीखते हैं, इनका जीवन चरित्र इसीलिए दिया गया है कि हम भी अपने जीवन में इनके चरित्र को अपनाएं, आत्मसात करें। और इसमें से ये पांचों में से, यानी दो प्रश्न तो आपके निश्चित रूप से आएंगे ही, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से देखें। देखिए, सबसे पहले बात कही गई है कि चरित्र सदा से प्रेरणा स्रोत रहे हैं। चाहे हम किसी भी महापुरुष का चरित्र लें तो उसका चरित्र हमारे लिए सदा प्रेरणा स्रोत रहा है और इन्हें जनमानस में अपार श्रद्धा प्राप्त है। सामाजिक समरसता की स्थापना, राष्ट्रीय स्वाधीनता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सुधार, इनके क्षेत्र में इन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। सामाजिक समरसता अर्थात समाज में समानता और समाज को अच्छा बनाने की का प्रयास, देश को स्वाधीन या आजाद करवाना, पर्यावरण का संरक्षण करना और समाज का सुधार करना, इन सभी के लिए इन्होंने अपना जीवन है वो समर्पित किया है। अतः इनके द्वारा दिए गए संदेश हमारे लिए अनुकरणीय है।
इन्होंने जो हमें संदेश दिए हैं वो हम अनुकरण करें इनका, अर्थात इनकी नकल करें। राजस्थान रणबांकुरों की धरती है, राजस्थान वीर भोग्या वसुंधरा कहलाती है। राजस्थान की धरती के बारे में तो बहुत सारी उक्तियां देखने को मिलती है, बहुत सारी बातें जब हम सुनते हैं राजस्थान की धरा के बारे में तो कई बातें कही जाती है। एक से बढ़कर एक साहसी और तेजस्वी योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। रणभूमि में जिनके रुद्र रूप को देखकर शत्रुओं में भय व्याप्त हो जाता है, ऐसे एक नहीं दो नहीं अनेक पराक्रमियों को इस वीर प्रसूता भूमि ने अपनी गोद में पाला है। यानी इसीलिए वीर भोग्या वसुंधरा कही गई है कि यहाँ पर ये वीर प्रसूता है, अर्थात यहाँ पर ये वीरों की भूमि रही है। तभी तो इस भूमि के बारे में कहा जाता है कि केसर नहीं निपजे अठहरे न हीरा निपजन, सिर कटिया खंड सांवणा और इन धरती उपजन। यहां पर केसर नहीं हीरा नहीं, यहां पर अपने सिर कटवाने वाले सिर देकर भी अर्थात अपने सिर के साटे भी मातृभूमि की रक्षा करने वाले वीरों ने यह इस धरती पर जन्म लिया है। ना तो केसर पैदा होती है ना हीरों की खाने है, यहां तो ऐसे वीर जन्मते हैं जो सिर कट जाने पर भी लड़ते हैं। इस धरती ने जुंजारों के समान ही त्यागी तपस्वी और भक्ति भी उत्पन्न किए हैं। और हमारे देश में उच्च स्तर के योगी और रणभूमि में वीर गति पाने वाले योद्धा दोनों को ही मोक्ष का अधिकारी माना गया है। उच्च स्तर के योगी और रणभूमि, अर्थात एक व्यक्ति यदि कोई शहीद होता है मातृभूमि के लिए या योग करता है, दोनों बराबर हैं, दोनों को ही मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि इस वीर प्रसूता भूमि ने ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों को जन्म दिया जो शस्त्र शास्त्र दोनों में निष्णात थे, शास्त्र में भी थे, ज्ञानी भी थे और शस्त्र के ज्ञाता भी थे, अर्थात अन्याय का विरोध भी करने वाले थे, अन्याय का डटकर पालन करने वाले थे। एक ओर तलवार के धनी थे तो दूसरी ओर पहुंचे हुए सिद्ध भी थे। अपनी सिद्धियों और शूरता का उपयोग जिन्होंने अन्याय का प्रतिकार करने, लोक जागरण में तथा समाज समता निर्माण करने में किया है। परिणाम स्वरूप शताब्दियों के बाद आज भी लोग उनके नाम का स्मरण करते हैं। शताब्दियां बीत गई लेकिन आज भी बाबा रामदेव, देवनारायण, सत जम्बेश्वर, पूज्य गोविंद गुरु, महाराज सूरजमल, मीरा, शूर, तुलसी, इन सभी जो महापुरुष हैं, हमारे जैसे और भी महापुरुष हुए हैं, जैसे वीर योद्धा हुए हैं महाराणा प्रताप, और जैसे दर्शन योगी विवेकानंद, और हमारे जैसे यानी इन सभी योद्धाओं को और सभी महापुरुषों को नमन करते हैं, याद करते हैं, उनकी समाधियों पर मेले लगते हैं और मेलों में दूर दूर के जातरू चलकर वहां लाखों की संख्या में पहुंचते हैं और अपने कष्टों की को दूर करने की मनोती भी मांगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीर हुए हैं, ऐसे सभी जातरुओं की सेवा में भंडारों का आयोजन कर जन सामान्य भी पलक पावड़े बिछाए रहते हैं। जैसे बाबा रामदेव के का जब मेला लगता है तो उस समय बहुत सारे लोग हैं जातरू जो है वो वहां पर बाबा के फेरी देने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे जो भक्त हैं उन जातरुओं की सेवा करते हैं, भंडारा लगाते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। जैसे लहूलुहान पैरों को गर्म पानी से धोना, उनकी मालिश करना, उनके लिए गर्मा गर्म चाय, अल्पाहार, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था करने में बड़े बड़े धनिक और सामान्य जन अपने को धन्य मानते हैं। जैसे समाज की बाधाओं को, कष्टों को दूर करने में अपना सौभाग्य समझना और हमारा अहोभाग्य है कि ये हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं। यानी कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे जो समाज सेवी लोग हैं वो ये सोचते हैं कि इन लोगों की सेवा करना और ईश्वर की सेवा करना है, और वास्तव में सही भी है। ऐसी श्रेष्ठ मानसिकता से सेवा कार्य में रत सेवारु को जब लगता है कि ये हमें सेवा का अवसर दिए भी नहीं आगे बढ़ जाना चाहते हैं तो उन्हें रोकने का आग्रह देखते ही बनता है। अर्थात जब लोग राह चल रहे होते हैं, पैदल यात्री जा रहे होते हैं, तो वहां पर जगह जगह जो भंडारा लगा हुआ होता है, जगह जगह उनको रोक करके विश्राम गृह बने हुए होते हैं, वहां पर लोग उन्हें रोकते हैं, उनका यानी उन्हें हर तरह से सुविधाएं मुहैया करवाते हैं और हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं। कोई सड़क पर लेटकर ये कहते हुए भी सुनाई देता है कि आपको जाना है तो हमें रोक कर ही जा सकते हैं। यानी जैसे जो पैदल चलने वाले यात्री हैं या कई जो पेट के बल चल करके और जो
वहां पर बाबा के फेरी देने जाते हैं। उन सभी को लोग रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? क्योंकि उनकी सेवा करने से हमें फल प्राप्त होता है, अन्यथा हमें सेवा का लाभ तो देना ही पड़ेगा। ऐसे अविस्मरणीय दृश्य हर वर्ष इन दूर दूर से पैदल चलकर आने वाले यात्रियों को उनके मार्ग में स्थान स्थान पर दिखाई देते हैं। ये सब उन श्रेष्ठ पुरुषों के त्याग और तपस्या का फल है, अर्थात जो श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, इन महापुरुषों ने जो अपनी त्याग और तपस्या की है, उसी तपस्या के बल पर अर्थात उनके जो फेरी देने के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को इतनी सुविधाएं और इतना मान सम्मान मिलता है, वो सब इन महापुरुषों की बदौलत है जो आज भी दृष्टिगोचर हो रहा है। हम ऐसे नरपुंगुओं के कृतत्व से अपना जीवन प्रकाशमय बनाए, समाज में समरसता का संचार करें और लोक सेवा में लगकर अपना जीवन धन्य कर ले, अर्थात हमें भी लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो पांच हमने पढ़े कि पांच महापुरुषों की जीवनियां हमें पढ़नी है, लोकचरित पढ़ना है इनका। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं देवनारायण जी का, जो कि बगड़ाउत कुल के थे और नागवंशी गुजर जाति के थे, इसलिए सारा गुजर समाज देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। आपने राज्य क्रांति कर अपने समय के अत्याचारी शासन का अंत किया। आपके जन्म के समय में बहुत सारे मतभेद हैं, क्योंकि आज से विक्रम संवत 1097 में, या हम यूं कह सकते हैं कि 11वीं-12वीं शताब्दी में जिनका जन्म हुआ हो, तो उस समय की अधिक लिखी हुई बातें नहीं मिल पाती है। तो जन्म के बारे में बहुत सारे मतभेद है, फिर भी लोकमान्यता और प्रमाणों और तत्कालीन राज्य वंशों में सामंजस्य बिठाने पर आपका जन्म है जो युगाद 4142 यानी विक्रम संवत 1097 विक्रम संवत 1097 है। तो इसका मतलब 1097 में से आप 57 निकालेंगे तो आपके कौन सी आ जाएगी, ईस्वी सन आ जाएगी, यानी 1040 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था। माघ शुक्ला सप्तमी को चौहान राज ने बगड़ावतों को गोठा की जागीर दी थी और यह जागीर वर्तमान भीलवाड़ा जिले के आसीन से अजमेर जिले के मसूदा तक का खारी नदी का आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अब ये आज जो है गोठा की जागीर ये कहां तक थी, वर्तमान में जो भीलवाड़ा है और भीलवाड़ा जिले का जो आसीन क्षेत्र है, आसीन से लेकर के अजमेर जिले का जो मसूदा है, मसूदा यानी वह खारी नदी तक, आसीन से लेकर खारी नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता था, गोठा की जागीर माना जाता था और वहां पर इन बगड़ावतों का शासन था। राणा दुर्जन साल के अत्याचारों से बालक देवनारायण को बचाने हेतु माता सोडी खटाणी ने इन्हें अपने पियर देवास ले आई। अब देवास में इनका लालन पालन होने लगा। बचपन में ही घुड़सवारी और शस्त्र संचालन सीखा और साथ साथ शिप्रा नदी के, शिप्रा एक नदी है, नदी के किनारे सिद्धवट में वे साधना भी करने लगे। तो एक कहने का मतलब ये सिद्ध भी थे। सिद्धवट के योग्य गुरुओं ने उन्हें आयुर्वेद के साथ साथ तंत्र विद्या भी सिखाई। देखते देखते देवनारायण एक कुशल योद्धा और इसके साथ साथ आयुर्वेद और तंत्र शास्त्र के पंडित भी हो गए। अब उन्हें अन्याय और अत्याचार को समाप्त करना था और धर्म की स्थापना करनी थी, इसलिए इस लक्ष्य को अपने जीवन में समाया और बगड़ावतों का अनन्य मित्र छोटू भाई इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। छोटू भाट जो है वो इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। वह इन्हें गोठा चलने हेतु देवास आ गया, वहां पर एमपी में है देवास, वहां पर देवास है, गोठा चलने के लिए वो छोटू भाट है, वो आया वहां पर। और छोटू भाट माता सोडी और कुछ अंगरक्षकों के साथ ये देवास से चल पड़े और धार में स्थित महाकाली की आराधना के समय राजा जयसिंह की बीमार पुत्री पीपल देखो अपने आयुर्वेद के ज्ञान से भला चंगा कर दिया। अब जब वो देवास से धार जा रहे थे, अर्थात देवास से अपने स्थान जा रहे थे, वहां पर अपने राज्य क्षेत्र में जा रहे थे, तो उधर क्या है कि रास्ते में राजा जयसिंह की बेटी थी पीपल दे, और पीपल दे जो बीमार थी, बीमार को उन्होंने अपने आयुर्वेद का जो ज्ञान था इनको देवनारायण जी को, इससे उन्होंने एकदम तंदुरुस्त कर दिया और वहीं पीपल दे से उनका विवाह हो गया। अपने आयुर्वेद ज्ञान और सिद्धियों से लोगों के कष्टों को दूर करने लगे, जिससे उनका यश चारों ओर फैलने लगा। अब देवनारायण लोगों के कष्ट हरने वाले साक्षात भगवान बन गए। नीलंदे की कुरूपता का दूर करना, अब इन्होंने कौन कौन से काम किया, नीलंदे की कुरूपता को दूर करना यानी तो जो कुरूप थी, और सारंग सेठ को पुनर्जीवित करना, सारंग सेठ जो मर गया था उसे
पुनः जीवित कर दिया और सूखी नदी में पानी निकालना। वहां पर नदी सूखी थी लेकिन फिर भी अपने चमत्कारिक बल पर उन्होंने उस नदी में हमेशा के लिए पानी कर दिया। ये इनके चमत्कार माने जाते हैं। इनके गोठा पहुंचते ही सभी इनसे आ मिले और गोठा में अमन चैन कायम कर जनता को ढाढ़स बंधाया, किंतु उनके पूरे राज्य और पड़ोस के राज्यों में राणा के अत्याचार उसी तरह चल रहे थे। उनके कुशासन को समाप्त करने के लिए दुर्जन साल के साथियों को एक एक कर परास्त किया और राज्य की में क्रांति कर सुशासन स्थापित किया। दुर्जन साल के जितने भी जो साथी थे, उनकी जो फौज थी, उनको उन्होंने हराया और उनका उनके कुशासन का अंत किया। दूसरी ओर इनकी महत्वपूर्ण देन ये भी है कि इन्होंने औषधि के रूप में गोबर और नीम का महत्व स्पष्ट किया। नीम और गोबर जो है इसका स्पष्ट महत्व बताया था इन्होंने। तुलसी की बात ही, नीम और गोबर को प्रतिदिन के व्यवहार में लाने का सफल प्रयास आपने किया, इसी कारण आज भी इनकी पूजा है वो नीम की पत्तियों से होती है। तो नीम की पत्तियों से प्रश्न आ सकता है कि देवनारायण जी, पहला प्रश्न तो ये हो सकता है कि देवनारायण जी की पूजा किससे होती है और उससे क्यों होती है, या देवनारायण की पूजा नीम की पत्तियों से क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने नीम के महत्व का स्पष्ट महत्व बताया था और नीम का व्यवहार में हमेशा प्रयोग लाना तथा उसकी महत्ता के कारण ही आज भी इनकी पूजा है वो नीम की पत्तियों से ही होती है। ये तो था देवनारायण जी। इसके बाद आते हैं अपने बाबा रामदेव, जो कि जब जाहिर है बाबा रामदेव सभी जातियों के आराध्य हैं। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का एक नगर है पोखरण, जो 1974 में जहां पर परमाणु बम विस्फोट हुआ था 18 मई 1974 को, यानी 18 मई 1974 को परमाणु विस्फोट हुआ था, उसी विस्फोट स्थल के रूप में सारे संसार के मानचित्र पर उभरा हुआ है। इसी नगर के समीप आज से लगभग 653 वर्ष पूर्व, यानी विक्रम संवत 1409, विक्रम संवत 1409, अब ये तो थे 1040 विक्रम में, ठीक है, और रामदेव जी का जन्म हुआ था 1409, यानी 1409 में से आप 57 निकाल लो, यानी 1358 1348 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1348 ही नहीं, यानी जैसे देखो 9 में से 7 के 2 और 10 में से 6 के 4, 1342 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था रामदेव जी का। कब? 1342 में। और भाद्रपद शुक्ला द्वितीय को रुणिचा के तमरवंशीय ठाकुर अजमल जी और मां मैणा देवी के घर बाबा रामदेव अवतरित हुए। शैशवावस्था में ही मारवाड़ी में कहावत है कि पूतरा पग पाल नहीं दिखे, अर्थात जो महान होते हैं वो बचपन में ही महानता कर दिखलाते हैं। को चरितार्थ करते हुए उफंदे दूध को नीचे रख मां मैणा देवी को पहला परिचय दिया था। पहला परिचय उन्होंने जो दिया कि मैं वास्तव में चमत्कारिक शक्ति हूं, तो वो परिचय था कि दूध उफन रहा था और उसको नीचे बैठा दिया। कुछ बड़े होते ही गुरु बालकनाथ से शिक्षा लेना आरंभ किया, तो इनके गुरु थे कालीनाथ बालकनाथ। इतिहास धर्म दर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा भी प्राप्त की। किशोरावस्था में पोखरण के पास साथलमेर में भैरव तांत्रिक को मार करके संपूर्ण क्षेत्र को उसके आतंक से मुक्त करवाया। भैरव नाम का बहुत बड़ा तांत्रिक था जो कि वहां के लोगों को बहुत तंग करता था, तो उसके आतंक को उन्होंने समाप्त करके और वहां की जनता को भयमुक्त किया था। अब रामदेव ने परिस्थिति को पहचान कर लोक कल्याण में अपना जीवन खपाने का संकल्प लिया। राजपूत जाति के होने पर भी उन्होंने दलितों से संपर्क बढ़ाया और जम्मा जागरण आंदोलन के माध्यम से उन्हें जागृत कर अच्छाइयों की ओर प्रवृत्त किया। जम्मा जागरण का अर्थ है कि रात्रि को जागरण किया करते थे और उस जागरण में उन जो छोटे छोटे जातियों के जो लोग थे उन लोगों को समझाया करते थे कि आप मनुष्य हैं, मनुष्य का क्या काम है, आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, और भी यानी अच्छे ज्ञान की बातें बताते थे, जिससे क्या है कि छोटी जातियां वो जागृत होकर के अपने मनुष्यत्व को समझ सके। जम्मा जागरण का ये पुनीत कार्य मेघवाल जाति के द्वारा ही किया जाता था। शेष समाज उनकी वाणी का श्रवण किया करता था। मेघवाल जाति के लोग जो है वो उनके जम्मा जागरण में उनका साथ देते, उनके साथ रहते और शेष जो लोग हैं वो उनकी वाणी को सुनते थे। समाज के पिछड़े बंधुओं के प्रति रामदेव जी का अंतःकरण
करुणा और परोपकार से बहुत प्रोत था। उन्होंने मेघवाल जाति की कन्या डालीबाई को अपनी धर्मबेन बनाया और पिछड़ी बस्ती में हैजा फैल जाने पर अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर उनकी सेवा चिकित्सा हेतु दौड़ पड़े। जब बस्ती में हैजा फैल गया था तो उस समय जो बीमारियां थी उस बीमारी को अपनी तंत्र विद्या से या अपने आयुर्वेद का जो उन्हें ज्ञान था उस ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उसे हैजा जैसी बीमारी को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया और अपनी पत्नी को अकेली छोड़कर के भी वो चले गए थे। रामदेव जी स्वयं सिद्ध योगी और वैद्यकीय चिकित्सा में पारंगत थे, इसी कारण विकलांगता जैसी बीमारियों में उन्होंने लोगों की चमत्कारिक सहायता की। जैसे कुष्ठ रोग, हैजा आदि में इनकी चिकित्सा रामबाण थी। जैसे जो कुष्ठ रोग हुआ करता था जिसको हम कोल्ड कहते हैं, उस रोग को भी इन्होंने नियंत्रित किया। इसी कारण वे पीड़ितों को रोगमुक्त कर चमत्कार दिखा सके। उनके चमत्कार परचों के रूप में विख्यात है। लक्की बंजारे की मिश्री को नमक बनाना। लक्की बंजारे की मिश्री को नमक बनाने की कथा के बारे में ये कहा जाता है कि वैसे बंजारा अपने पास मिश्री बेच रहा था, लेकिन जो ही बाबा रामदेव उन्हें सामने मिले, घोड़े पर सवार थे, और बंजारे ने सोचा कि ये कोई लुटेरा है, और बंजारा उनके सामने झूठ बोल गया कि मैं नमक बेच रहा हूँ, और बाबा रामदेव ने उन्हें कह दिया कि चलो जैसी तुम्हारी भावना। और कहा जाता है कि वो सारे के सारे बोरे जो थे वो नमक के हो गए। तब जब उन्हें पता चला तब वो उनके पीछे आए और उन्हें विनय करने पर उन्होंने बंजारे की को पुनः वापस जो उनका नमक था उसे वापस मिश्री में तब्दील किया। पांच पीरों के कटोरे मक्का से पल भर में लाकर उनके सामने रख दिया। नेतलदे की पंगुता को दूर कर नेतलदे जो उनकी पत्नी थी वो विकलांग थी और उसकी विकलांगता को पल भर में दूर किया था। सारथियों को तो अपनी बहन सुगना के मृत जो बाणेश था उसको जीवित करने का उनके प्रमुख परिचय उनका भांजा था। भांजे को सांप ने डस लिया था और उनके भांजे को सांप के जहर से मुक्त करके उन्हें जीवन दान दिया था। तो इस प्रकार के उनके परिचय थे। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया ऐसा मान उन्होंने अपनी लीला मात्र 33 वर्ष की आयु में समेट ली। 33 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली। भादवा शुद्ध दशमी विक्रम संवत 1442 के दिन उन्होंने समाधि ली थी और आज उसी समाधि पर प्रतिवर्ष मेला लगता है जिससे प्रतिदिन लाखों यात्री दर्शनार्थ के लिए आते हैं, उनके गीत गाते हैं। और उनका एक जो गीत है वो सबसे प्रसिद्ध है, गणी गणी खम्मा हो अजमाल जीरे लाल ने। ये बहुत अच्छा अच्छा इनका जो आयोजन भी वहां पर होते हैं। तो ये थे बाबा रामदेव। बाबा रामदेव के आगे हम तीसरा जो महापुरुष है वो पढ़ते हैं संत जम्बेश्वर। संत जम्बेश्वर जो कि अपने आप में एक बहुत ही ख्याति प्राप्त सिद्ध हम कह सकते हैं, ख्याति प्राप्त एक दिव्य आत्मा कह सकते हैं। प्रकृति प्रदत्त समाज जीवन हमारे देश की मूल आत्मा है। इसी आत्मा के तत्पानवेशी और सशक्त उद्घोषक थे संत जम्बेश्वर जी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को संत जम्बेश्वर जाम्बो जी के नाम से भक्तों में प्रसिद्ध है। भक्त जो है इनको जाम्बो जी कहते हैं। इनका जन्म नागौर जिले के पीपासर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? नागौर जिले के पीपासर गांव में। बाल्यकाल से ही वे चिंतनशील और प्रवर्तक थे। 34 वर्ष की आयु में माता पिता का देहांत हो जाने के बाद अपनी सारी संपत्ति दान कर दी और समाज उत्थान में लग गए। उनके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारी संपत्ति दान करके और समाज कल्याण में लग गए। उन्होंने उन्हें जाम्बो जी कहा करते थे। आप बीकानेर जिले की नोखा तहसील के समरथल द्वारा आए और वहां अपना मुकाम बनाया। बीकानेर जिले की नोखा तहसील में समरथल द्वारा का नाम से प्रसिद्ध इनका स्थान है और वहां पर उनके स्थान का नाम है मुकाम, जो कि आज एक बहुत बड़ा विश्व का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसी स्थान पर इन्हें दिव्य ज्ञान भी प्राप्त हुआ। 1485 में कार्तिक अष्टमी को उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, अर्थात 1485 में प्रथम उपदेश इन्होंने दिया। और समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति में सहज जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 29 नियम बनाए थे और इनको मानने वाले बिश्नोई कहलाए, अर्थात 20 प्लस 9 नियमों का मानने वाले बिश्नोई कहलाए। ये सभी नियम सदाचार, जीवन की नियमितता, प्रकृति संरक्षण पर आधारित थे। अपने और आपने कट्टरता पर भी निरंतर प्रहार किए। दुष्टों का निग्रह आप अपने चमत्कारिक व्यक्तित्व से किया। आपने सुल्तान सिकंदर लोदी को भी गोहत्या नहीं करने के लिए राजी कर लिया था। सिकंदर लोदी जिस उस समय थे 15वीं शताब्दी में, तो सिकंदर लोदी भी उनके पास आया और इनकी विद्या से
बहुत प्रभावित हुआ। समाज को संत जम्बेश्वर जी के नेतृत्व से एक नई संजीवनी मिली थी। कई विधर्मी भी उनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बने। एक धर्म के नहीं, सभी धर्मों के लोग उनके शिष्य थे। सरल और सुखी जीवन के इन नियमों के कारण लोग बड़ी संख्या में उनके अनुयायी बने। अपने विराट व्यक्तित्व के कारण वे सहज ही लोकमंगल के देव बन गए। बीकानेर जिले के लालसर गांव में समाधि लेकर उन्होंने अपनी जीवन लीला पूर्ण की। बीकानेर जिले के लालसर गांव में इन्होंने अपनी समाधि ली थी। जम्बेश्वर जी तो चले गए, किंतु उनके अनुयायियों ने उनके मार्ग और उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण किया और अपना बलिदान देकर के प्रकृति की रक्षा की। प्रकृति की रक्षा हेतु दिया गया एक बलिदान अत्यंत प्रेरक और अद्वितीय है। वो कौन सा है? वो है जोधपुर जिले का गांव खेजड़ली, जो आज भी बहुत ही बलिदान का साक्षी है। खेजड़ली गांव जो है बलिदान का साक्षी है। और ये बात सन 1730 की है कि जोधपुर के महाराजा ने अपने सैनिकों को राजकार्य हेतु पेड़ काट करके लाने को कहा। सैनिकों ने खेजड़ली गांव में आकर के और पेड़ काटना शुरू किया, क्योंकि इस गांव में बहुत ज्यादा खेजड़ियां थी, समी वृक्ष यानी खेजड़ी के पेड़ थे। राजा के सैनिक इस गांव में आ गए और गांव की एक माँ थी इमरता देवी, जिस जब इनको पता लगा तो वे दौड़ करके खेत में पहुंची और खेजड़ी नहीं काटने हेतु उनको समझाने लगी। इतने में गांव के लोगों को भी पता लगा और वो भी आ गए। राजा के सैनिक तो सता में चूर थे और मना करने पर भी पेड़ काटने लगे, तो इमरता देवी ने उन्हें ललकारते हुए कहा कि हमारे जीते जी तुम वृक्ष नहीं काट सकते, और गांव के लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि सर सांटे रूक रहे तो भी सस्त हो जा। सर सांटे अर्थात अपना सर कटने के बाद भी यदि हमारे पेड़ बस बचे रहते हैं तो भी सस्ता है। सभी स्त्री पुरुष एक एक पेड़ के आगे खड़े हो गए और परम वीरांगना इमरता देवी और इनकी तीन बेटियां थी, जिनका नाम एक का नाम आशी, एक का नाम रजनी और तीसरी का नाम बागुबाई, और उनके पति थे रामोजी। इन्होंने भी बलिदान दिया था और बलिदान देकर के उस प्रकृति की रक्षा की थी। फिर तो गांव वालों बड़े पीछे नहीं रहे और एक के बाद एक वृक्षों की रक्षा कटते गए। इस प्रकार उस दिन लगभग 363 लोगों का बलिदान उस खेजड़ली गांव में हुआ था। 363 लोग है वो एक साथ उस प्रकृति पर्यावरण की रक्षा हेतु अपना बलिदान दिया। बहुत बड़ा बलिदान था इतिहास में। वे सभी बलिदान करने वाले जम्बेश्वर जी के अनुयायी थे। आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष मेला भरता है। हजारों लोग आते हैं, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हैं। यही कारण है कि विस्मयियों के गांव में वृक्ष आज भी नहीं काटे जाते और हिरण भी नहीं मारे जाते। यहाँ यानी यहाँ पर प्रकृति की रक्षा की जाती है और प्रकृति में पेड़ पौधे और जो जानवर हैं ये प्रकृति के अभिन्न अंग होते हैं, तो इनका संरक्षण करना प्रकृति का संरक्षण करना ही होता है। ये थे संत जम्बेश्वर जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं पूज्य गुरु गोविंद गुरु, जो कि जनजातीय गुरु के रूप में माने जाते हैं। राजस्थान के दूर दक्षिण में गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमाएं जहां स्पर्श करती है, वहां एक दिव्य बलिदान का साक्षी बनकर खड़ा है मानगढ़ का विशाल पहाड़। मानगढ़ का विशाल पहाड़ और लगभग एक शताब्दी पूर्व सघन वनांचल में वनवासी बंधुओं ने एक व्यापक स्वाधीनता आंदोलन में संचालन किया था और यह अभियान इतना प्रभावी था कि अंग्रेज सरकार घबरा उठी। यानी वनवासी लोग जो थे अर्थात जनजातीय जो लोग थे, उन्होंने एक स्वाधीनता आंदोलन का संचालन किया था और इस संचालन से अंग्रेज सरकार भी घबरा उठी थी। परिणाम स्वरूप इसे कुचलने के लिए 17 नवंबर 1913 को आयोजित राष्ट्रभक्तों के विराट सम्मेलन में अंग्रेजों ने लाखों वन बंधुओं पर अंधाधुंध गोलीबारी करके 1500 वनवासियों को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए एक से बढ़कर एक घटनाएं हो रही है। 1913 में जब यहां पर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों को जब ये लगा कि ये लोग इतने एकजुट है तो इनमें भय पैदा करना जरूरी है, तो उन्होंने जब उनका विराट सम्मेलन चल रहा था उस सम्मेलन पर और उस बैठक पर बैठे हुए लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और 1500 लोग मारे गए। और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भीषण था और उससे भी पहले हुआ ये बलिदान आज भी वनवासियों के गीतों और कथाओं में रचा बसा हुआ है। मानगढ़ के इस पहाड़ पर आज भी चढ़ते हैं तो रोमांच हो जाता है। ऐसे विराट स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व करने वाले महापुरुष थे पूज्य गोविंद गुरु, और इस आंदोलन को जो कार्य रूप देने वाले थे गोविंद गुरु, जो कि डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में एक बंजारा परिवार में
हुआ था और गोविंद का बचपन में ही अपने बचपन में संस्कार मिले गांव के शिव मंदिर के पुजारी से। 1857 में इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में 20 दिसंबर 1857 को। परिवार की घुमंतू जीवन शैली ने दुनिया देखने का अवसर दिया। निर्णायक मोड़ आया 1880 में दयानंद सरस्वती के साथ 3 महीने तक रह करके उदयपुर में रहने से। लाखों वनवासी बंधु अशिक्षा बेकारी भूख अकाल बीमारियों व्यसनों अंधविश्वासों के साथ साथ सामंती और अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को सह रहे थे। ऐसे पीड़ित समाज को सुधारने का बीड़ा उठाया था गुरु गोविंद ने। गोविंद गुरु ने संत सभा नामक सामाजिक संगठन की स्थापना की और गांव में हवन कुंडों की स्थापना का काम किया। गोविंद गुरु ने स्वच्छता भजन सत्संग बच्चों को शिक्षा देना मेहनत करना चोरी नहीं करना मदमास का सेवन नहीं करना आपसी विवाद नहीं करना बेगार नहीं करना इसी के साथ साथ विदेशी चीजों का बहिष्कार करना स्वधर्म में दृढ़ संकल्प लेना आदि भाव स्थापित किए। समाज सुधार की बात गांव गांव में चली तो गोविंद हो गया और अब गोविंद गुरु। लाखों अनुयायी बनने लगे कंठी धारण करने लगे और संवेद स्वर में लाखों कंठों से एक ही गीत गुंजायमान होने लगा। यह गीत था बुरोटिया नी मानू रे नी मानू अर्थात तो इस गीत का अर्थ है कि अंग्रेज मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगा। और सन 1903 से प्रतिवर्ष मार्क्सिस्ट पूर्णिमा पर संत सभा का वार्षिक सम्मेलन मानगढ़ के विशाल पहाड़ पर होने लगा और इसमें लाखों लोग जुटते थे। स्थानीय सामंत जागीरदार तो पहले से नाराज थे और ऊपर से उनके शत्रुओं ने भी कान भरने शुरू किए जिसका परिणाम यह हुआ कि 1913 का मानगढ़ हत्याकांड हुआ। अर्थात वहां के जो स्थानीय जो राजा थे उनके द्वारा और अंग्रेजों के द्वारा मिली साजिश के कारण वहां पर वो हत्याकांड हुआ। कर्नल सटल के एक आदेश से भक्तों पर गोलियां बरसाई जाने लगी और लगभग आधा घंटा ये विभत्स तांडव चलता रहा और जब तक बंदूकें थमी तब तक भारत माता के 150 से अधिक पुत्र पुत्रियां अपने प्राणों की आहुतियां दे चुके थे। 1500 आदमी शहीद हो गए थे। गुरु के पांव में भी गोली लगी थी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गोविंद गुरु को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई बाद में उसे काले पानी की और फिर आजीवन कारावास में बदल दिया गया। पहले उसे फांसी की सजा सुनाई थी अंग्रेजों ने उसके बाद में उसे काले पानी की सजा यानी उधर जो अंडमान निकोबार की तरफ जो जेल बनी हुई है वहां फिर आजीवन कारावास में और अहमदाबाद की सेंट्रल जेल में उन्हें रखा गया। विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय के फलस्वरूप शेष आचरण के आधार पर इन्हें सशर्त मुक्त किया गया। अंग्रेजों विश्व युद्ध में जब विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस समय तो उन्हें फिर 1914 की बात है 14 से 18 जो विश्व युद्ध हुआ था उस विश्व युद्ध में सशर्त उन्हें मुक्त कर दिया गया। गुरु अब 60 वर्ष के हो गए थे और गुजरात में पंचमहल में कम्बोई नामक स्थान पर जीवन का अंतिम समय बीता। गुजरात में जो पंचमहल नामक स्थान है वहां पर 30 अक्टूबर 1931 ईस्वी को और यहीं से उन्होंने स्वर्ग प्रस्थान किया 1931 में। आज भी हर मार्क्सिस्ट पूर्णिमा पर हजारों लोग उस पहाड़ पर आते हैं धुनी में नारियल अर्पित करते हैं और वहां की माटी को मस्तिष्क से लगाते हैं क्योंकि वहां की मिट्टी जो है वो उनके चरणों से सुसज्जित है उनके चरणों से सिंचित है उनके चरणों से पावन की हुई है जो हमारे देश के एक परम भक्त थे। तो ये था पूज्य गुरु गोविंद गुरु। अब हम जो पांचवा है आपके वो है महाराजा सूरजमल। ये भी बहुत बड़े देशभक्त थे। हमारे देश में यवनों की सत्ता को सर्वदा के लिए या हमेशा के लिए समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतापी महाराजा सूरजमल का जन्म राजा बदन सिंह के पुत्र के रूप में रानी देवकी की कोख से 13 फरवरी 1707 ईस्वी यानी 1763 विक्रम संवत में हुआ था। 1707 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म और बदन सिंह और इनकी मां का नाम था रानी देवकी। अपने ननिहाल कामर में हुआ था। जन्म से सूरजमल की तेजस्विता से सभी प्रभावित थे और युवावस्था तक आते आते वे सुदृढ़ शरीर के साहसी योद्धा हो गए। इसी के साथ कूटनीति के खेल में भी निष्णांत हो गए। राजा बदन सिंह के पुत्रों में वे सबसे छोटे पुत्र थे गुणों में भी सबसे श्रेष्ठ थे अतः युवराज भी उन्हीं को बनाया गया। और सन 1731 में इन्होंने मेवात दावर
मेवात के दावर जंग को धूल चटा दी और 1745 ईस्वी में उन्होंने अलीगढ़ के जो नवाब और मुस्लिम मुगल बादशाह थे उनसे युद्ध किया। दोनों पक्ष सूरजमल की सहायता पा लेने को उत्सुक 1750 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह के मीर बख्शी सलावत खान ने सूरजमल पर आक्रमण किया 1750 ईस्वी में सलावत खान ने, और नारनौल के पास रात के अंधेरे में सलावत खान की छावनी पर सिंह झपट्टा मारकर सूरजमल ने उसे आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। और संधि में जो शर्तें हुई वे युवराज सूरजमल की राष्ट्रभवन का परिचायक है। उसमें दो शर्तें कौन सी थी, एक तो मुगल सेना पीपल के वृक्ष नहीं काटेगी, दूसरा मंदिरों का अपमान नहीं किया जाएगा और न ही किसी देवालय को क्षति पहुंचाई जाएगी। ये उनका एक बहुत बड़ी एक राष्ट्र भावना थी। राजा बदन सिंह की मृत्यु के बाद 9 जून 1756 को सूरजमल विधिवत भरतपुर राज्य के राजा बने। इसके बाद 6 माह बाद ही अहमद शाह अब्दाली भारत में घुस गया था और दिल्ली के बादशाह ने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया था। दिल्ली फतेह कर अब्दाली ने सूरजमल को दबाने का विचार किया। महाराजा सूरजमल ने अब्दाली को समझौता वार्ताओं में उलझाने की रणनीति अपनाई और इसी समय भरतपुर नरेश ने वह ऐतिहासिक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अब्दाली का मनोबल तोड़ने की कोशिश की और उसे चुनौती भी दी। पत्र बढ़ने के बाद उसे डी कुमेर भरतपुर के सुदृढ़ किलों की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। इस प्रकार तुर्कों को उन्हीं के हथियार से मात देने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज श्री का एक और वीर पुरुष था जो भारत की धरती पर अवतरित हुआ था, वो था सूरजमल। दिल्ली से मुगलों को पूरी तरह हटा देने का जिम्मा जब महाराजा सूरजमल पर आया तो पहले तो उन्होंने आगरा से मुगल सत्ता को समाप्त कर किले पर अधिकार किया और कुछ ही समय में उन्होंने दक्षिण में चंबल तक क्षेत्र पर विजय पताका पहनाई। पूर्व दिशा में हरियाणा का पूरा क्षेत्र उनके अधीन आ गया। अलीगढ़, हापुड़ और गढ़मुक्तेश्वर तक अपने प्रभाव का क्षेत्र का जो विस्तार है वो कर लिया था। आगरा में मुगल आक्रमणकारियों के सभी निशान हटाते हुए महाराजा ने पूरे दुर्ग को दूध जल से धुलवाया, यानी यमुना नदी को, और उसके बाद शास्त्रोक्त विधि से हवन कर आगरा नगरी को यवनों के दुष्प्रभाव से मुक्त किया। पेशवा के असामयिक निधन के बाद अब स्वयं महाराजा सूरजमल ने दिल्ली को मुगलों से पूरी तरह मुक्त करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 तरफ से दिल्ली को घेर कर गोलाबारी शुरू कर दी। रुहेले भरतपुर के वीरों की मार से लगातार पीछे हटते जा रहे थे। ऐसे समय में महाराजा हिंडन नदी के एक नाले को पार करने आगे बढ़े, तभी वहां छिपे बैठे रुहेले बंदूकचियों ने जबरदस्त गोलीबारी शुरू कर दी, यानी अचानक। और अचानक हुए हमले से सैनिक संभलते तब तक महाराजा सूरजमल को प्राणघातक चोट लग चुकी थी और रविवार 25 दिसंबर 1763 को शाम के समय लगभग 5 बजे महाराजा सूरजमल का निधन हो गया था। इतने महान यशस्वी और देशभक्त थे ये महाराजा, जो आज भी हमारे प्रेरणा स्रोत है। ये पाठ इस पाठ के कौन कौन से मुख्य प्रश्न हैं वो देख लीजिए। देखिए बोर्ड परीक्षा के लिए आपके जो संभावित प्रश्न है, सिर सांटे रूख रहे तो भी सस्ता दान पंक्ति का अर्थ बताइए। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि यदि मस्तिष्क कट जाने के पश्चात भी हमारा पर्यावरण बच जाता है या हमारे जो पेड़ पौधे बचते हैं तो भी हमें उसे सस्ता ही जानना चाहिए, अर्थात हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। जम्मा जागरण आंदोलन का उद्देश्य ये था कि बाबा रामदेव छोटी जातियों को समझाने के लिए, उन्हें जागृत करने के लिए जम्मा जागरण, अर्थात उनके उनकी सोई हुई आत्मा को, उन वो जो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तो उन्हें एक चिंतन करते हुए और एक अच्छे जो एक जागरूक नागरिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वो जम्मा जागरण आंदोलन शुरू किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तुलना राजस्थान की किस घटना से की जाती है, वो मानगढ़ हत्याकांड से। सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित किन्हीं दो घटनाओं का उल्लेख कीजिए। सूरजमल की राष्ट्रीय भावना से संबंधित दो घटनाएं आपको पता ही है कि उन्होंने मुगलों से जो संधि की थी उस संधि में क्या किया था कि एक तो पीपल के वृक्ष नहीं काटे जाए और दूसरा क्या था कि यानी किसी भी मंदिर को या देवालय को क्षति नहीं होनी चाहिए। खेजड़ली गांव में अमृता देवी का बलिदान किस कारण हुआ था, खेजड़ला में अमृता देवी का बलिदान जो है वो जोधपुर के महाराजा द्वारा जब पेड़ काटने का हुक्म दिया गया और उसके विरुद्ध वो पेड़ नहीं
काटने देने के लिए उस गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। उनमें से सबसे जो लीडर थी, जो नेतृत्व कर रही थी, वो इमरता देवी थी। और इमरता देवी ने जब तक अपने प्राण रहे तब तक उन्होंने पेड़ों को हाथ तक नहीं लगाने दिया और उस समय 363 व्यक्ति है वो शहीद हुए थे। मानगढ़ का विशाल पहाड़ किस दिव्य बलिदान का साक्षी है? मानगढ़ का विशाल पहाड़ उस मानगढ़ हत्याकांड और देश के लगभग 1500 सपूत है वो उसमें मारे गए थे। समाज में धर्म स्थापना और प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य संत जम्बेश्वर का योगदान। यदि संत जम्बेश्वर जिन्होंने 29 नियमों का पालन करने के लिए और 29 नियम बनाए और उन्हीं के आधार पर उनके अनुयायी जो है उन्होंने 29 नियमों का पालन करते हुए जिसमें प्रकृति से संबंधित और अपने मानव जीवन की अच्छाइयों से संबंधित है और उन्हीं का पालन करते हुए जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनके अनुयायी उन्हें विष्णुई कहा जाता है। ये जम्बेश्वर महाराज या जम्बेश्वर की ही कृपा थी। समझता हूं कि आपके लिए ये पाठ बहुत अच्छा हुआ होगा। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इन सभी प्रश्नों का वीडियो जो है आपको अलग से जारी भी किया जाएगा। तब तक आप भी तैयार करें इन प्रश्नों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।